जल्दी करो जाने को। क्या बातें हुई लालू जी से, मुलाकात हुई है भाई? हम तो स्वास्थ्य पूछने आते हैं, कैसे हैं, क्या हैं, कुछ और काम होता है तो आते हैं उसके लिए, जाते हैं और कोई विशेष ऐसी बात नहीं। बताइए बातें क्या क्या हुई लालू जी से, कोई राजनीतिक बातें हुई? राजनीतिक बातें ये हुई कि राजनीति में अगला जो हम लोगों का चुनाव है उसको कैसे अच्छे से लड़ना है, किस तरह से जो सांप्रदायिक ताकत है उसको किस तरह से परास्त करना है, यही बात हुई। लेकिन मुख्यतः जो बात है वो ये हुई कि उनका स्वास्थ्य कैसा है और दूसरी घर की कुछ बातें हुई। फिर भी सर 10-12 दिन के अंदर की दोबारा मुलाकात कर रहे हैं, मतलब महज कम ही वक्त के अंदर, हम लोग भी याद है अच्छे तरीके से, तो फिर भी लगातार मुलाकात करना बिहार में चुनाव है तो जरूर जो राजनीतिक व्यक्ति जब मिले तो सियासत की बात तो होगी। देखिए हम लोग लालू जी के सिपाही हैं, लालू जी हम लोगों के शीर्ष नेता हैं, उनका आशीर्वाद हर चीज़ के लिए जरूरत होता है, तो कभी इस तरह की कोई आवश्यकता होती है तो उसके लिए हम लोग आशीर्वाद के लिए जरूर आ जाते हैं। और हैं लालू जी यहाँ पे, लेकिन जो दिशा निर्देश देना होता है वो इशारे में बता देते हैं। क्या बताइए? यही कि किसी हाल में आप लोग मन छोटा नहीं कीजिए। अभी हम तेजस्वी यादव जी के साथ उनकी जो बेरोजगारी हटाओ यात्रा है उसमें उनके साथ घूम रहे थे, उसके संबंध में मैंने जानकारी दी कि बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है पब्लिक का। यहाँ मोतिहारी में तेजस्वी जी की यादव में 1,00,000 लोग थे उसी दिन, और भी जिला स्तर का हमारे क्षेत्र का कार्यक्रम था, कम से कम 1,00,000 लोग थे वहाँ पे। और उसी दिन मुख्यमंत्री ने राज्य स्तर का की रैली की है पटना में, और 8,000-7,000 लोग थे वहाँ पे। तो बिल्कुल जो हवा का रुख बदला हुआ है, और उससे भी लालू जी को अवगत कराया कि एकदम हवा पलटी हुई है, परिवर्तन की जो बिहार है वो पूरे बिहार में बह रही है, और इस बार इस परिवर्तन की बिहार में जो सत्ता पक्ष कहाँ उड़ जाएगा ये देख दूर दूर तक नज़र नहीं आएगा। एकदम कहीं से भी किसी को भी लेश मात्र भी ये शक होना चाहिए कि इस बार हमारे भाई तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तो उसी की अपनी रणनीति बनती है। उसके बाद अभी बीच में भी एक दो चीजें होने वाली हैं। राज्यसभा विधान परिषद में क्या बातें हुई? शायद आप बायोडाटा भी किसी का ले गए? नहीं, बिल्कुल नहीं, हम तो ऐसे ही गए, ऐसे ही आए हैं ना, कि हमको हमारा ही काम ही नहीं, हम तो खुद ही पार्टी के सिपाही हैं और पार्टी का जो आदेश होता है उसका पालन करते हैं। तो लेकिन एक चीज़ इतना कह सकता हूँ कि इस बार इसमें भी जो कुछ होगा उसमें एक बहुत बड़ा राजनीतिक संकेत माननीय लालू प्रसाद यादव जी पूरे बिहार और पूरे देश को देंगे कि राज्यसभा में किस तरह के लोग जाएंगे। तो जिस तरह की चीज़ें हैं वो भी आप लोगों को बहुत जल्दी दिखेगा कि बहुत बड़ा राजनीतिक संकेत माननीय लालू प्रसाद यादव जी राज्यसभा के हवाले से भी देंगे। राज्यसभा में जिसको मनोनीत किया जाएगा या जो भी हमारी पार्टी का कैंडिडेट होगा उसके जरिए भी एक बहुत बड़ा राजनीतिक और सामाजिक ये जो है संकेत दिया जाएगा।